गोरखनाथ मंदिर किसी पहचान का मोहताज नहीं, खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके महंत हैं। गोरखपुर का इतिहास आज से नहीं बल्कि त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर ने हर दौर में विस्तार ही पाया है। दरअसल गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का शक्ति केंद्र है। गोरखपुर ही नहीं पूरी दुनिया में इस मंदिर के भक्त मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में उसकी मुद्रा पर भी गुरु गोरखनाथ की चरण पादुका एक ब्लॉक के रूप में मौजूद है। गोरखनाथ मंदिर स्थित भीम सरोवर, जिसके सामने भीम लेटे हुए हैं, जो इतिहास के पन्नों में अभी तक दर्ज है कि भीम यहाँ निमंत्रण देने आए थे और विश्राम के लिए इसी सरोवर के पास रुके थे। उसी तरीके से सामने हजारों वर्ष पुराना बरगद का वृक्ष है, तो दूसरी तरफ महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ जी के मंदिर के ठीक पीछे का आम का वृक्ष तीन पीढ़ियों की कहानी को दर्शाता है। देखिए, गोरखनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में आम जनता जानती है। यह मंदिर अति प्राचीन त्रेता युग का ये गोरखनाथ मंदिर है। भगवान गोरखनाथ जी यहाँ तपस्या करने आए थे। उस समय ये जंगल था, राप्ती नदी बगल में बहती थी। एक योगी के लिए एकांत स्थान है नदी तीरे। उस दृश्य से भगवान गोरखनाथ जी यहाँ तपस्या किए। आज भी ये प्रमाणित करता है, आसपास के 50 गांव, जंगल एकला, जंगल नकहा, जंगल कौड़िया आदि नामों से विख्यात है। ये सिद्ध करता है कि गोरखनाथ मंदिर जहाँ पर आज भगवान गोरखनाथ जी स्थापित हैं, ये भी जंगल रहा है। गोरखपुर का नाम भी गोरखनाथ जी के नाम से ही पड़ा है, ये भी सिद्ध करता है। अति प्राचीन, इसके पहले कोई नाम नहीं था, भगवान गोरखनाथ जी आए तभी इसका गोरखपुर नाम भी गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर। दरअसल गुरु गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार माना गया है। गुरु गोरखनाथ के नाम पर ही इस मंदिर की नींव पड़ी है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में खिचड़ी का भोग सबसे पहले गुरु गोरखनाथ के मंदिर गोरखपुर में ही चढ़ाया गया था। अतीत में गोरखनाथ मंदिर कई आक्रमण भी झेल चुका है। मुगलों ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था, तो वहीं गोरखनाथ मंदिर में रखी चरण पादुका की कहानी भी बड़ी रोचक है। हिमाचल के कांगड़ा देवी से लेकर ज्वाला देवी तक ये कहानी जुड़ी है कि गुरु गोरखनाथ जी भिक्षा मांगने के लिए ज्वाला देवी से निकले। उन्होंने वहां पर पानी गर्म करने को कहा ताकि खिचड़ी बनाई जा सके, और पानी गर्म करने को लेकर इसका इतिहास आज भी जुड़ा हुआ है कि उधर पानी गर्म हो रहा है, लेकिन भिक्षाटन पर गए गुरु गोरखनाथ वापस नहीं लौटे, वो गोरखपुर पहुंच गए। मान्यता है कि ज्वाला देवी का खोलता हुआ पानी तभी से गुरु गोरखनाथ की प्रतीक्षा कर रहा है। मौजूदा वक्त में गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर जहाँ एक तरफ धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है, तो वहीं सियासत के केंद्र के रूप में भी ये उभरा है। ये जो गोरखपुर है, गोरखनाथ मंदिर है, अभी यहाँ पे इस जगह पे यहाँ गुरु गोरखनाथ जी का खड़ाऊं का पूजा होता है। उनके चरण पादुका को रह करके हम लोग उसका पूजा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये बताया जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज जब ज्वाला देवी जी से उनका रिटर्निंग हुआ, जब उधर से आए गोरखपुर में, तो इन्होंने लंबे काल तक तपस्या किया। ये गोरखनाथ जी का तपस्थली है, तो मुख्य रूप से यहाँ उनका खड़ाऊं का पूजा होता है। और बाकी मंदिर में भी बहुत सा प्राचीन चीज़ है, प्राचीन मंदिर है, उधर यज्ञशाला है। आज भी हमारे यहाँ इस मंदिर में गौशाला चलाया जाता है। लगभग हमारे यहाँ 300-400 भी गाय मौजूद हैं।